और डर बहुत लगता है। कोई अधिकारी मुझे फोन करो तो कहते हैं कि उसका वीडियो बना भेजो और वीडियो का भेड़िया का जान बचा भागी की वीडियो बने। ऐसा है कि ये 4-5 दिन से चक्कर लगा रहा था, जब भी फोन करते हैं तभी यही बताते हैं कि निशान भेजिएगा, उसका फोटो लेकर भेजिएगा। हम लोग अगर उसका फोटो और निशान पा जाएं तो क्या पकड़ ना पाए, पकड़ के वन विभाग वाले इनको दें कि हम पकड़ लिया तभी वो हमको इनाम देने आएंगे क्या? तो जब ऐसे माहौल है, हमारे लोगों के देही में डर पैदा कर रहे हैं और गरीब लोग हैं हम, पल्ला दरवाजा लगवाए, घर बनवाए कि बच्चे को पढ़ाए लिखाए कि जिए, क्या क्या करें हम लोग? डर क्या कि हम सो नहीं पाते हैं और रात भर जागते हैं, दिन में उंघा उंघा गिरते हैं, हम लोग क्या करें यार भैया, बड़ी मुसीबत है हमारे लोगों पे। तो हम लोग बच्चे लेके बैठते हैं भैया, क्या करें रात भर, बथरूम करके आए, आम चार पे पर बैठ गए, बैठे ना जब तक हम बैठे तब तक भेड़िया आया और मेरे पीछे से पकड़ लिया, चिल्लाने लगे भेड़िया का पकड़ लिया भाई, और सब लोग दौड़ करे तब तक वो निकल, खेत छोड़ दिया है, धान छोड़ दिया है, जानवर चल ले मनो कोई काट ले जाए, गन्ना छोड़ दिया मनो कोई काट ले जाए, मनो बिलवाए दे। अब यू ना हो पाए है कि 2-4-10 आदमी बराबर चले कर थे, अकेले हो तो शंका घुसी है, बच्चों के यहाँ रात भर पहरा लगावा जात है, ग्वाला बहावा जात है, फिर हर नाका नाका बैठा जात है, तो ये में बचावा जात है। हमारा भी घर बगल में है, उससे उस घर से एक बच्ची को उठा ले गया, इससे जैसे हम लोग स्कूल नहीं जाते, इतना डर है, रात को सोते हैं लेकिन जागते हैं सोते हैं। घर में बाथरूम नहीं है कि पेशाब के लिए जा सके, दरवाजे नहीं है कि घर को बंद कर सके, ये लोग बाहर निकलते हैं तो भेड़िया हमला कर देता है। इनकी गर्दन देखिए, भेड़िए के वार से तो बच गए लेकिन जो डर इनके मन में है हम उसे महसूस नहीं कर सकते। अस्पताल में लेटे इस बच्चे को देखिए, भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोग जान गंवा चुके हैं, बच्चों की हालत ऐसी है कि उसे हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। हालांकि इस खौफ को समझने की कोशिश कीजिए, पहला वीडियो देखिए, बिना दरवाजे के घर है यानी भेड़िए को कैसे रोका जाए। दूसरा वीडियो, शिकार पर निकले भेड़ियों के पंजे के निशान। तीसरा वीडियो, बच्चे की शक्ल देखिए, घर से बाहर देख जरूर रहे हैं लेकिन खौफ इनके चेहरे, इनके शरीर, इनके दिल में है। चौथा वीडियो देखें, रात को लोग भेड़िए को ढूंढ रहे हैं, लोग सो नहीं पा रहे, किसी ने बताया कि जागकर जिंदगी कट रही है, किसी का बच्चा चला ना जाए, भेड़ियों से उनको बचा रहे हैं। पांचवा वीडियो, वो बकरी का बच्चा जिसे भेड़िए को पकड़ने के लिए लाया गया। छठा वीडियो, जाल लेकर घूमता ये शख्स ताकि भेड़िए को कैद किया जा सके। ये खौफ, ये सनसनी, भेड़ियों का डर, उनका तांडव, इन सब ने गांव वालों की जिंदगी हराम कर दी है। ऊपर से ऐसे कई परिवार हैं जो अपने बच्चों को खो चुके हैं और कई ऐसे अब परिवार हैं जो भेड़ियों से अपने बच्चों को बचाने में लगे हैं। लोकल 18 के लिए बहराइच से बिन्नू बाल्मीकि की रिपोर्ट।